सिंह देवल। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे जीरा और इसबगुल की खेती जालौर जिले के अंदर होती है। जालौर जिले के रानीवाड़ा, चितलवाना, भीमाल, सांचौर, जसमपुरा, जालौर, बागोड़ा और आउर में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। जीरा, इसबगुल, सरसों और गेहूं की फसल जालौर जिले के किसानों की आय का मुख्य जरिया है। अब की बार रबी की फसल पूरे ज़िले में 3 लाख हेक्टर में जीरा, 2 लाख 80 हेक्टर में इसबगुल और 1 लाख 80 हज़ार हेक्टर में रायड़ा और 1 लाख हेक्टर में गेहूं की फसल को बोया गया। परंतु अब की बार मार्च में ही हमारे यहां चर्मा रोग के कारण, धौलिया हो जाने के कारण जीरा और इसबगुल की फसल जलकर नष्ट हो गई है। जीरे की फसल में करीब 50 से 70% का नुकसान हुआ है। किसान फसल खराबे का सर्वे के लिए जगह जगह ज्ञापन देकर मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में पटवारियों के हड़ताल के कारण ये सर्वे नहीं हो रहा है। समय पर सर्वे और फसल कटाई प्रयोग नहीं हो रहे के कारण बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए आनाकानी करेगी, किसानों की फसल का बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, कई किसानों ने तो फसल का बीमा भी नहीं किया है। मैं आपके माध्यम से सदन में मांग करता हूं कि जो ये फसल खराब हुई है उसका फसली ऋण और बिजली के बिल माफ़ करें। ऐसी स्थिति में गरीब किसान मौसम की मार की वजह से आर्थिक परेशानियों से घिर गया है। मैं आपके माध्यम से कृषि महोदय से निवेदन करूँगा कि आप मुख्यमंत्री से बात कर इन पटवारियों की हड़ताल को समाप्त करें। हमारे राजस्व मंत्री जी भी के जिले में भी जीरा और इसबगुल की फसल काफ़ी मात्रा में होती है, बाड़मेर में भी ये नुकसान हुआ है। तो माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि इस गंभीरता को देखते हुए तुरंत प्रभाव से फसलों की गिरदावरी कराई जाए और किसानों को फौरी तौर पर राहत देने के लिए आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचना माननीय श्री बिहारी लाल। माननीय सभापति जी। माननीय श्री कन्हैया लाल बोल रहा हूँ, खड़े हो गए। राइट। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचना। महोदय जी,